नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं घाट बंधौरा पंचायत में। शीला मिश्रा जी यहां से चुनावी मैदान में हैं और प्रतिनिधि के तौर पर रूबरू हो रहे हैं मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी, आप ये बताएं, राजनीति में क्यों आ गए, क्या दिलचस्पी रही आपकी? अपने पंचायत के बंधौरा घाट की समस्त जनता को नमस्कार। सामाजिक रुचि से मेरा लगाव मेरे बचपन से रहा है। मैंने अपने पूज्य बाबा जी के सानिध्य में पंचायत की जनता के बीच अपना समय गवाया है, रहा है, और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में रुचि लिया है। रुचि तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे आप बता रहे हैं आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो फिर ग्राम पंचायत की तरफ रुझान क्यों रहा आपका? क्योंकि सारी जो भी विकास की योजनाएँ हैं मूर्त रूप लेने के लिए ग्रामीण, अगर गाँव मजबूत होगा तो ही हमारा देश मजबूत होगा। और गांव में, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लोगों की उम्मीद की किरण अब हम ही हैं। चारों तरफ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 40 वर्षों से त्राहिमाम मचा हुआ है। पंचायत हमारा बंधौरा घाट पता नहीं नीचे से एक नंबर है या है ही नहीं किसी नंबर पर, और लोगों के प्रेशर के चलते मैंने अपना यह रुचि लिया है कि मैं पंचायत के चुनाव में आऊँ और मैदान में रहूँ। मिश्रा जी, आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, विजयपुर ब्लॉक भी या इस साइड में ही पड़ता है और ये प्रखंड के बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में एकदम कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, तो सरासर गलत दिखता है मुझे। नहीं, बंधौरा घाट पंचायत के हर एक वार्डों को देखें कि सड़क कैसी है, बिजली की जो व्यवस्था है वो पोल वगैरह कथा, स्ट्रीट लाइट है, हर गली नली योजना में देखिए सारी व्यवस्था फेल है। और एक इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो प्रखंड मुख्यालय विजयपुर है वह बंधौरा घाट पंचायत में ही आता है। बंधौरा घाट पंचायत में आने के बाद अगर आप प्रखंड मुख्यालय की एक खड़ंजा सड़क को देखें जो अभी तत्काल 6 महीने 8 महीने पहले बनी हुई है, उस ईटीकरण हुआ है उसका, उस खड़ंजे का रूप देख करके आप अंदाजा पूरे बंधौरा घाट पंचायत के विकास का लगा सकते हैं। दोषी किसको माना जाए? दोषी जो करने वाला है, जो जिसको जनता ने चुन करके कार्य करने के लिए बैठाया, दोषी तो वही होगा। फिलहाल आप अगर चुन के आते हैं तो क्या करेंगे? मेरा लक्ष्य है कि अपनी बंधौरा घाट पंचायत को 5 सालों के अंदर आदर्श पंचायत की सूची में शामिल करा दूं। मिश्रा जी, वादे सभी करते हैं कि हम आदर्श पंचायत बनाएंगे, आप जरा ये बताएं, ब्लॉक के नज़दीक है, ब्लॉक प्रमुख यहीं पर है, संयोग से विधायक भी लगातार इसी ब्लॉक से आते हैं और सारी योजनाएँ उनके हैंड में है, तो शिकायत आप लोगों को करनी तो चाहिए ना? नहीं, विधानसभा स्तर पर तो विधायक के कर्तव्य के अंदर या बिहार सरकार के अंदर जो भी हो तो ठीक है, पंचायती राज की जो व्यवस्था है, पंचायतों के अंदर से जो विकास होना है उसकी व्यवस्था त्राहिमाम संदेश लगा हुआ है। जिले सिर व्यवस्था है, न कहीं कुएं से पानी आ रहा है, जल जीवन हरियाली की योजना फेल है, मनरेगा फेल है। आप इवन यहाँ तक देख सकते हैं कि इंदिरा आवास के लोग नाम पर भी लोगों को ठगा गया है और चारों तरफ से भय के भय के कारण जनता कुछ नाम नहीं लेना चाहती है, भय व्याप्त है चारों तरफ। मजबूरी में लोग ऐसा छुप करके कह रहे हैं कि नहीं मनोज जी, अगर आप नहीं चुनाव में आएंगे तो इस पंचायत का क्या होगा, आपका परिवार हमारे साथ दुख सुख में रहा है और आप लोगों ने इस पंचायती क्षेत्र ग्रामीण के लिए, बंधौरा घाट के लिए काम किया है तो आपको आना ही होगा। जनता तो गरीबी और लाचारी में सभी को पुकारती है और जिता भी देती है, लगातार योजनाएं आती रहती हैं, फिर भी काम अधूरे क्यों रह जाते हैं, क्या जवाब देंगे? अधूरी योजनाएं इसलिए हैं कि अब जो काम करने वाला है उसकी नियत पर प्रश्न उठता है कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी है उस पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, और जो व्यक्तिगत लाभ जिसमें उनको नज़र आता है उस काम को लोग करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन सी योजनाएँ हैं मिश्रा जी? ग्राम पंचायत में आपका जल जीवन हरियाली है, हर घर नल का जल, हर गली नली योजना है, और मनरेगा है, तमाम योजनाएं सारी पंचायत की हैं जो प्रमुख रूप से जनता को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, पंचायत में तो हर घरों में नल से जल पहुंचता ही होगा? नहीं, बहुत रेयर केस में है, कहीं चलता है नहीं, तो अभी ना उसका अगर
मुआयना कर लिया जाए कि उस पानी का कितना परसेंट लोग उपयोग करते हैं, तो बिजली का मीटर जो लगा है नल जल योजना में, उस मीटर को वाच कर लिया जाए कि कितना चला है। तो किसको दोषी माना जाए? जो पंचायत की व्यवस्था है उसको दोषी मानेंगे, जो उसका व्यवस्थापक है, जो जिसको देखने के लिए जनता ने चयनित किया है, जिसके माध्यम से सरकार ने अपना उस योजना को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाया है। जब योजना चलती है तो नल का जल घर में न जाकर के सड़क के किनारे फैलता है। संयोगवश जिला परिषद का जो स्थानीय क्षेत्र है वो भी दो भागों में विजयपुर से ही बंटता है, ब्लॉक नज़दीक है, पंचायत भी आपका घाट बंधौरा ही है। तो अगर ब्लॉक में इस तरह की असुविधा होगी तो ग्राम पंचायत के और जगहों का क्या हाल होगा, आप क्या टिप्पणी देंगे इस पर? टिप्पणी ये देंगे कि अगर जनता ने उम्मीदों के साथ जिसको चुना है उसको अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए और आत्ममंथन करके देख लें कि क्या वो सही हैं, जो काम किए हैं विकास का वो सही है। रास्ते तो काफ़ी अच्छे होंगे आपके क्षेत्र के। अभी आप विजयपुर मुख्यालय से आए हैं सुमेरपुर गांव में, देखे होंगे कि क्या व्यवस्था है पंचायती, जहां मुख्य सड़क से आप नीचे कट के आए हैं सुमेरपुर की तरफ, उस सड़क का हाल देख लीजिए। नज़र तो सबकी पड़ती है उस जगह पर, तो फिर भी ये अधूरा क्यों रह जाता है? अब अधूरा का मतलब कि वादों पर ही यह पंचायती राज व्यवस्था आज तक चलती आई है, सिर्फ वादे ही वादे, जनता ठगी गई है और असहाय महसूस कर रही है। आखिर करे तो क्या करे, किस पर विश्वास करे? शिकायतें मिलती हैं कि वार्ड मेंबर्स को मुखिया के द्वारा दबाया जाता है, ये कितना सच है? नहीं, बात तो सही है, क्योंकि वार्ड के अंदर ही सारी योजनाएं मुख्यतः आई हैं, जैसे नल जल वगैरह का भी काम वार्ड के माध्यम से हुआ है, लेकिन कहीं भी वार्ड सदस्य जितने चयनित हैं वो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनके जगहों पर पर्दे के पीछे काम किया गया। सरपंच भी तो न्याय की प्रणाली नहीं देख पाते हैं, किसको दोषी माना जाए? नहीं, सरपंच भी अगर इसमें हस्तक्षेप करने वाली व्यवस्था तो अपने अधिकार क्षेत्र से अलग बता करके काम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि वह न्यायपालिका है या कार्यपालिका है, न्यायपालिका के तहत ही विकास की योजनाओं का। कार्यपालिका में भी अगर न्याय तर्क संगत न हो तो सवाल तो सरपंच खड़ा कर ही सकता है। नहीं, सवाल तो कर सकता है, लेकिन अब अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए कोई तो उसके लिए जनता क्या कर सकती है, तो ठगा महसूस कर रही है। अगर आप मुखिया बनेंगे तो क्या करेंगे? मेरा होगा कि जितनी पंचायती राज की बिहार राज्य सरकार के तरफ से, पंचायती राज के तरफ से जो योजनाएं बिहार सरकार ने दिया है पंचायतों को, उसको 100% ईमानदारी से लागू करूंगा। फिलहाल गांव-गांव चलते हुए अमूमन ये पाया जा रहा है कि जो विजयपुर प्रखंड मुख्यालय है उधर से जब आप भटनी रास्ते की तरफ जाते हैं, रास्ता नदारद है, सड़क पे पानी लगी है, हाल बुरा है, सभी लोग दावे करते हैं विकास हम भी करेंगे, क्या होगा जनता को ही तय करना है। अंत में जवाब यही मिलता है, जनता ही समाधान ढूंढती है, जनता के हक में है, एक वोट से वो अपना अच्छा प्रत्याशी भी चुन सकती है। देखते हैं क्या परिणाम निकल कर सामने आता है, तब तक के लिए इंतजार रहेगा। कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। जी नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmati.com